आमिर याकर की कब्र कुशाई पर दायर दरख्वास्त पर एक्शन नोटिफिकेशन जारी। पुलिस सर्जन की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। आमिर याकर की कब्र कुशाई की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। हाल ही में मारूफ टीवी एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर याकर की अचानक मौत की वजह जानने के लिए कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए खुसूसी बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिस पर अदालत ने आमिर याकर का पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। लिहाजा अब आमिर याकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आमिर याकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 6 मेडिकल बोर्ड टीम में एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निजाम, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जिना परवेज मखदूम, MLO डॉक्टर अरीब बकाई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हरिराम और डॉक्टर गुलजार अली मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। हुक्मनामे के मुताबिक 23 जून को सुबह 9:30 के करीब मारूफ टीवी एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर याकत हुसैन की कब्र कुशाई होगी। याद रहे कि सिटी कोर्ट कराची में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शहरी अब्दुल अहद ने आमिर याकत हुसैन के पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त दी थी। आपके ख्याल में डॉक्टर आमिर याकत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट असल हकायक जानने में मदद फराहम कर सकेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें।